मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा AEIOU कि मेरी किस्मत खराब, ना मैंने कभी आज तक ये सोचा कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, दो थॉट मेरे पास कभी नहीं आए। कौन कौन से बताता हूँ, मेरी किस्मत खराब है, ये मेरे दिमाग में कभी नहीं है। फिर ये नहीं आया कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, ये भी मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। डिप्रेशन मेरे पास कभी नहीं आया, इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पर। और जब तक मैं स्टूडेंट था मुझे कभी भी ईगो भी नहीं आया, मतलब हमारी कोई इज्जत भी नहीं रही। कम है तो कम खत्म क्यों। जब तक मैं स्टूडेंट था तो भैया घर वाले भी मार लेते थे कि पढ़ा नहीं रहे हो या घूमने जा रहे हो या गलत काम कर रहे हो। ओके, भाई साहब के दोस्त भी मार लेते थे यदि मैं कहीं गलत काम करते पकड़ा गया। मान लो उस समय मूवी भी देखते पकड़ा गया कि कोचिंग बंक करके मूवी देखने गया, अचानक वो वहीं पे मूवी थिएटर में मिल गए तो वहीं पे डांट देते थे, बेटा कौन ही गाड़ रहेगा तुम्हारे मुंह में, तू यहाँ क्या कर रहा है, चल तेरे भाई को बता। तो इज्जत नाम, डिप्रेशन कब आता है, जब आपको इज्जत फील होती है कि हाय मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो दुनिया क्या कहेगी, अरे भले उसने मेरे को ऐसा क्यों कह दिया, छोटी बच्ची हो क्या, टीचर ने मेरे को डांट कैसे दिया, गाली वाला नहीं, मम्मा पापा ने मेरे को इतना सारा कैसे डांट दिया। इज्जत तुम्हारी है, इज्जत इज्जत बच्चे की कैसी इज्जत यार। ओके, ये जो ईगो होता है ना यही इज्जत होती है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। तो स्टूडेंट की कभी कोई इज्जत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, तब वो ज्यादा अच्छा पढ़ता है, ये एक्सपेरिमेंटल। अब जैसे हम लोग थे, हम लोगों को ये टर्म पता ही नहीं था कि अच्छा हमारी भी कोई इज्जत है क्या। क्यों, घर में डांटे गए, स्कूल में डांटे गए, टीचर ने भी डांटा, मोहल्ले का कोई बड़ा है, मेरे भाई साहब के दोस्त है या मेरे पापा के दोस्त है, उन्होंने भी डांटा, तो सभी लोग डांट रहे हैं तो पागल नहीं हूं मैं, ऐसा क्या फील हो। बस हम लोग झरियाते थे, चल देते थे, काम तमाम। ऐसा भी नहीं कि कोई फर्क पड़ता हो, हम लोग भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। क्यों, जब डेली वही हमारे साथ हो रहा है तो हम लोग उसको झरियाते थे, छोड़ देते थे, चल देते थे। उसकी वजह से ना कभी डिप्रेशन भी नहीं आता था। क्यों, क्योंकि इज्जत ही नहीं फील हुई तो डिप्रेशन कैसा। भाई मेरा ईगो हर्ट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हर्ट हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं होता था। तेज हो रहे हो है। तो इसलिए ध्यान रखो, स्टूडेंट लाइफ में आप बिल्कुल बिंदास रहो, इस बात की आराम से चिल करें, बाहर हवा लें। बहुत तुम लोग मतलब बहुत ज्यादा सोचते हो, आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा सोचते हो। क्लास में मुझे इसके सामने ये कह दिया तो मेरी रैपो डाउन हो गई। अरे रैपो थोड़ी कुछ होती है, रैपो सक्सेस की होती है। जब तुम सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ोगे ना तो तुम्हें सब लोग सलाम करते चले जाएंगे, और तुम जबरदस्ती अपनी रैपो बना लो तो बात अलग है, उसको कोई मानता नहीं है, उसको कोई नहीं मानता है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि कौन क्या तुम्हारे बारे में कह रहा है, तुम्हें तो बस सूरज की तरह चढ़ते चले जाना, चढ़ते चले जाना है। और जब तुम पीक पे पहुंचोगे तो तुम्हारी आईसी की तैसी थू, तुम्हारा सक्सेस देख के ना सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी और सब एक ही बात कहेंगे, वाह बेटा तू तो हीरो निकला, हीरो, यू आर द बेस्ट। छह वोट, छह वोट, छह